वसीम रिजवी की गिरफ्तारी व विवादित किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने बताया कि वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि यह किताब मुसलमान पैगम्बर इस्लाम की शान की गुस्ताखी में है, जो कि मुस्लिम समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विवादित किताब को प्रतिबंधित किया जाए व वसीम रिजवी की जल्द गिरफ्तारी की जाए। इस अवसर पर जमील सलमानी, हाफिज मुस्तकीम खान, काशिम अली, लाल जामा मस्जिद के इमाम हाफिज वाकारी, जाकिर अली कादरी, सोहराब खान, पैगाम शेख, भोला अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने कहा, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हिंदू मुस्लिम एकता, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी करो, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी करो, शाकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी। पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करने वाले वसीम रिजवी ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और उसने एक किताब लिखी विवादित और उस पर एक औरत की तस्वीर बनाई और किताब का नाम रखा मोहम्मद, हम उस गुस्ताख की गिरफ्तारी की मांग करते हैं गोरखपुर से कि आखिर पीर पैगंबर संतों के ऊपर इस तरह से लोकतांत्रिक मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कैसे है वो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वसीम रिजवी चेयरमैन होकर इस तरह का बयान देता है, कभी कुरान को कहता है बैन करो, कभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अपमान करता है, आखिर क्यों धर्मगुरु लोग खामोश हैं? गोरखपुर के शहरे काजी, गोरखपुर के शहरे मुफ्ती, गोरखपुर के जामा मस्जिद के इमाम, ये सब कब तक खानकाहों में रहेंगे? मैं इमामों से, मौलाना लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे घरों पर हमला हो, हमारे घरों को जलाया जाए, हमें मारा जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर जो अपमान होगा और शिया ये वसीम रिजवी बोलेगा चाहे कोई बोलेगा, मुसलमान किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस लोकतंत्र में किसी भी पीर पैगंबर संत फकीर के नाम पर इस तरह की गुस्ताखी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और मैं जो ये दे रहा हूँ ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कि आप इसको गिरफ्तार करवाइए, जेल में भिजवाइए, नहीं तो हम इससे बदला लेने के लिए काफी हैं।